नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने गेटी थिएटर में मास्टर्स यूनिवर्स प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत कार्यों का लिया जायजा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से की भेंट। नीली क्रांति की ओर बढ़ते हिमाचल के कदम। जिला मंडी के जोगिंदर नगर के दिलदार सिंह प्रतिवर्ष 3 से 4 टन ट्राउट मछली का कर रहे उत्पादन, प्रतिवर्ष कमा रहे 3 से 4 लाख रुपए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में प्रसिद्ध रूसी कलाकार, विचारक और शांति के अग्रदूत निकोलस रॉरिक की 150वीं जयंती के अवसर पर मास्टर्स यूनिवर्स प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन इंटरनेशनल सेंटर ऑफ द रॉरिक मॉस्को, अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट नगर, जिला कुल्लू और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। यह प्रदर्शनी 25 सितंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कलाकार, लेखक और विचारक के रूप में निकोलस रॉरिक के अमूल्य एवं विविध योगदान की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश विशेष रूप से कुल्लू घाटी की समृद्ध परंपराओं को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में लगभग 20 वर्षों के दौरान उन्होंने हिमालय की संस्कृति का गहन अध्ययन किया और कुल्लू घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की वकालत की। निकोलस रॉरिक जो थे वो प्री इंडिपेंडेंस हिमाचल प्रदेश में आए, 1928 में, और नगर में अपने आप को उन्होंने अपनी रिहाइश को बनाया। उनका जो अटूट प्रेम था, वो जो इंडियन कल्चर है, हिंदू संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति था। वो एक राइटर थे, पेंटर थे, और जितने भी सेंट्रल एशिया की देश थे वो सब जगह जाने के बाद, जब यातायात के इतने बड़े साधन नहीं हुआ करते थे, आप देखिए उनकी लगनशीलता देखिए कि सारी जगह गए वो, और अपनी पेंटिंग से उन्होंने हिमालय का व्याख्यान किया। और ये हिमाचल के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्होंने हिमाचल के कुल्लू के नगर को अपना घर माना और एक संदेश अपनी पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश और पूरे देश में देने की कोशिश की है। एक महान पेंटर थे और एक महान दार्शनिक थे। हम उनको आज इस प्रदर्शनी पर, मैं उनके जो समय उन्होंने जो पेंट किया है उसको देखने के लिए आया और उसका उद्घाटन करने के लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर रॉरिक का गहरा प्रभाव था। 15 अप्रैल 1935 को 21 देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक संधि का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि रॉरिक शांति और सद्भाव के लिए सदैव प्रयासरत रहे। वह मानते थे कि युवाओं के मध्य सम्मान और सामंजस्य की भावना को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक मूल्यों के माध्यम से वैश्विक संघर्षों का हल निकाला जा सकता है। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और रूस के संबंध सदियों पुराने हैं और सांस्कृतिक रूप से रूस तथा भारत की सोच में काफी समानता है। रूस ने कठिन दौर में भारत की हमेशा सहायता की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नगर स्थित अंतर्राष्ट्रीय रॉरिक मेमोरियल ट्रस्ट को और अधिक सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार का आर्थिक संकट नहीं है और प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे करे और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने, मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखें। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मेस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है, ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है, इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है,
ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ और आपको मैं बताना चाहता हूँ इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दिए। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है। मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडीज दी है। अब कई लोगों ने फोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपए इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते पर हमें पानी अच्छा दीजिए। तो उसमें उन्होंने हमको कम से कम 1,000 लोगों के मेरे फोन आ रहे हैं हर जगह कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्टेप अच्छे हैं। तो उस स्थिति को भी हम ठीक कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार बोलना कि फाइनेंशियल क्राइसिस है ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ ये अपने आप को डिसिप्लिन करने के लिए हमने किया है। और जो खर्चे हैं वो खर्चे भी करने पड़ते हैं, अगर हम खर्चे नहीं करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही नहीं होगा। अब जैसे बिल्डिंगों की रिस्टोरेशंस है, रोड्स रिस्टोरेशंस है, ये सब खर्चे में। और हमें टारगेट दिया होता है कि इतने 1,000 करोड़ इस साल हमें 6,000 करोड़ खर्च करना है। मुझे नहीं लगता कि 6,000 करोड़ हम खर्च कर पाएंगे। पिछली बार भी बीजेपी तो कभी खर्च के लिए थे पर हम स्पीड कर रहे हैं, तो उससे भी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है और हमारा रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और मुझे खुशी है कि जो हम सुधार कर रहे हैं और जो हम थोड़े बहुत कड़े फैसलों का असर होता है। मेरा सभी वर्गों के, समाज के सभी वर्गों से अनुरोध है कि सरकारी कर्मचारी जहाँ हैं वहाँ किसान भी है, बागवान भी है, मजदूर भी है, महिलाएं भी है, आम लोग भी है। इन सबको अगर अपने क्वालिटी एजुकेशन देनी है, क्वालिटी वाटर देना है, क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी देनी है और क्वालिटी हेल्थ देनी है। हेल्थ सिस्टम आपका चरमरा गया, शिक्षा आपकी चरमरा गई, हमें तो 19 महीने हुए। अब इन सब चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, उसमें सुधार कर रहे हैं, रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। अब जैसे कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी की सैलरी है वो मिलनी है, पेंशन वालों को पेंशन भी मिलनी है। तो 75 साल से ऊपर का एरियर जब हमने 28,000 परिवारों को दे दिया तो और परिवारों को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा प्रकार से सुधार है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री गुरदीप सिंह सप्पल ने शनिवार देर शाम शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मत्स्य क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र अनेक मछली पालकों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाता है। प्रदेश सरकार राज्य में मछली पालन को विस्तार प्रदान कर रही है और मछली पालकों के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनका लाभ उठाकर लोग मछली पालन अपना रहे हैं। जिला मंडी के जोगिंदरनगर उपमंडल की ग्राम पंचायत मसौली के गांव पहलून निवासी 57 वर्षीय श्री दिलदार सिंह मछली पालन से अच्छी खासी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। वर्ष 2008 में महज 2 टैंक निर्माण से शुरू किए गए ट्राउट मछली पालन से आज वह प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 टन रेनबो ट्राउट मछली का उत्पादन कर औसतन 3 से 4 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। श्री दिलदार सिंह सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन के माध्यम से परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे थे। प्रदेश सरकार की मत्स्य पालन योजनाओं की जानकारी हासिल कर उन्होंने ट्राउट मछली पालन की दिशा में कदम बढ़ाए। सरकार की ओर से 2 टैंक निर्माण एवं फीड इत्यादि के लिए उन्हें लगभग 55,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। सरकार द्वारा मछली पालन क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया। वर्तमान में वह लगभग 3 से 4 टन तक मछली उत्पादन कर रहे हैं। रेनबो ट्राउट मछली की जो डिमांड है पास के बड़े बाजारों में है, इसकी इन मछलियों को हम यहाँ से दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, धर्मशाला, मनाली भेजते हैं। जो भी हम अपना उत्पादन उसको आइस बॉक्स में बंद करके क्रमशः बर्फ लगा कर भेजते हैं और सारा जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है वो बस में होता है। और जो हमारे से कोई कंपनी या कोई दुकानदार खरीदता है तो हमारे को पैसे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। पहले तो मेरा जो साल की इनकम होती पहले तो बड़ी कम थी। शुरू में तो 2010-11-12 तक तो साल की 1 लाख 1.5 लाख हो जाती थी और फिर
14-15, 16-17 तक वो 2.5 लाख लगा मिलने लगा, फिर अभी जो है 20 के बाद जो है आज तक 3-4 लाख के बीच में मुझे साल का खर्चा पर्चा निकाल के मिल जाता है। उन्होंने ट्राउट मछली की हैचरी भी तैयार करने में कामयाबी पाई है। वह ट्राउट मछली का बीज स्वयं तैयार करते हैं तथा आसपास के अन्य किसानों एवं मछली उत्पादकों को भी उपलब्ध करवाते हैं। मछली पालन क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए जिला स्तर पर श्री दिलदार सिंह को सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला मंडी में 80 किसानों व मत्स्य पालकों के माध्यम से 178 ट्राउट मछली उत्पादन इकाइयां कार्य कर रही हैं, जिनके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 मीट्रिक टन ट्राउट मछली का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में मछली पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रदेश के लोग सरकार की योजनाओं और अनुदान योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आर्थिकी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।